नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कराने पर कितना अमाउंट कटता है। अक्सर पॉलिसी होल्डर्स के मन में ये सवाल होता है कि अगर वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराएंगे तो ऐसा करने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कितनी राशि काटी जाएगी। ये बात तो सही है कि किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी को सरेंडर कराने पर पॉलिसी होल्डर द्वारा प्रीमियम के रूप में जमा की गई पूरी राशि उसे नहीं लौटाई जाती, बल्कि इसमें से कटौती कर बची हुई राशि ही उसे लौटाई जाती है। लेकिन अब अगर बात करें कि कितनी राशि काटी जाती है, तो इसके लिए कोई फिक्स अमाउंट निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी की टर्म कितनी थी और पॉलिसी में कितने वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया गया है। इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद ही एक तय चार्ट के अनुसार सरेंडर पर राशि काटी जाती है। इस चार्ट को आप अपने पॉलिसी बॉन्ड में भी देख सकते हैं। पॉलिसी होल्डर द्वारा पॉलिसी सरेंडर करने पर उसके पेड प्रीमियम से कम 30% और अधिक से अधिक 90% राशि लौटाई जाती है। पॉलिसी को जितने अधिक वर्षों के पश्चात सरेंडर कराया जाता है, उसकी सरेंडर वैल्यू भी उतनी ही अधिक होती जाती है। इस प्रकार किसी पॉलिसी को सरेंडर कराने पर अधिक से अधिक पेड प्रीमियम का 70% और कम से कम पेड प्रीमियम की 10% राशि काटी जाती है और उसके पश्चात बची हुई राशि पॉलिसी होल्डर को लौटा दी जाती है। सरेंडर वैल्यू का कम होना और अधिक होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि पॉलिसी होल्डर ने कितने अधिक वर्षों तक वो पॉलिसी चलाई थी, अर्थात जितने अधिक वर्षों के पश्चात पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है उतने ही अधिक सरेंडर वैल्यू मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।